नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम ध्रुव एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे हिंदी टेक एंड टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम सभी व्हाट्सअप तो यूज करते ही हैं और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए हम तरह तरह के स्टेटस अपने व्हाट्सअप में अपलोड करते हैं। तो इसी तरह से हमारे फ्रेंड्स भी स्टेटस अपलोड करते हैं, तो कुछ स्टेटस उनमें से ऐसे होते हैं जो हमें पसंद आ जाते हैं और हम उन्हें डाउनलोड करके अपने व्हाट्सअप के स्टेटस में अपलोड करना चाहते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट व्हाट्सअप में कहीं भी स्टेटस को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो हम उस स्टेटस को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से तरह तरह के हम एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। स्टेटस को डाउनलोड करने के लिए 20 MB, 25 MB, 50 MB की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से बिना किसी एप्लीकेशन की हेल्प से आप किसी भी व्हाट्सअप स्टेटस को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, अपने व्हाट्सअप में सेव कर सकते हैं। तो अगर आप इस ट्रिक को जानना चाहते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप इस वीडियो को अगर अभी अब तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस ट्रिक के बारे में पता चल सके। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ओल वाले आइकन को दबा दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आके आपको कमेंट कर देना है व्हाट्सअप स्टेटस न्यू ट्रिक। जी हाँ फ्रेंड्स, बस इतना सा काम करना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है और यहाँ आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। नीचे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऊपर में फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा शो हिडन फाइल, तो आपको इसे इनेबल कर देना है। ये आपका ऑफ रहेगा, इसे ऑन कर देना है। जैसे ही ऑन करेंगे तो आपके फाइल मैनेजर व्हाट्सअप के अंदर फोल्डर के अंदर एक नया फाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना व्हाट्सअप ओपन करना है और जिस भी स्टेटस को आप डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली आपको उस स्टेटस को आपको फुल वॉच कर लेना है, जैसे कि मैं यहां कर पा रहा हूं। उसी तरह से आपको अपने जिस भी फ्रेंड का आप स्टेटस को डाउनलोड करना चाहते हैं, उसे अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हैं, अगर कोई स्टेटस आपकी फैमिली का, आपका छोटे भाई बहन का पसंद आ जाता है, तो आप उसे इस तरह से वॉच कर लीजिए। पूरी स्टेटस को आप देख लीजिए और जैसे पूरी स्टेटस को देख लेंगे, जिस दिन व्हाट्सअप स्टेटस को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, वॉच कर लेने के बाद अब आपको अपने फाइल मैनेजर पे जाना है। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद आप यहां से अपने व्हाट्सअप का फोल्डर को आपको ढूंढ लेना है। यहां आपको अपने फाइल मैनेजर पे आपको व्हाट्सअप का फोल्डर मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप यूज करें तो। उसके बाद यहां नीचे आपको मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ही मीडिया पे क्लिक करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं ऊपर में एक न्यू फोल्डर देखने को मिल जाता है स्टेटस। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मैंने जितने भी स्टेटस को वॉच किया है, देखा है, वो सभी के सभी मेरे फाइल मैनेजर पे सेव हो गए हैं। यहाँ से मैं आपको ओपन करके भी दिखा दूँ तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिन जिन स्टेटस को मैंने अभी वॉच किया देखा है वो सभी मेरे फाइल मैनेजर पे यहाँ स्टेटस फोल्डर में सेव हो चुके हैं। तो ये मैंने फाइल मैनेजर के एक सेटिंग को ओपन किया, इसलिए ऐसा हुआ। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ सो हिडन फाइल को, तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि वो फोल्डर आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा, वो फोल्डर फिर से हाइड हो चुकी है। तो यहाँ से फाइल मैनेजर की सेटिंग से मैं फिर से सो हिडन फाइल को ऑन जैसे ही कर दूंगा तो फोल्डर हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को यूज करके बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से आप किसी भी स्टेटस को आप अपने फाइल मैनेजर पे सेव कर सकते हैं और यहाँ से फिर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अपने व्हाट्सअप पे स्टेटस पे अपलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये ट्रिक वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन वाली वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।